अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शब्बीर अली अलकवी गोट फार्म से। आज का टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब कि पीपी, जिसको हम लोग लाल दवा भी कहते हैं। उसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ किस किस चीज में करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं, सो दैट आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। पीपी जिसको हम लोग लाल दवा कहते हैं, वो सबसे पहले कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका पीपी है, ये दानेदार होता है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको यूज कितना करना है, आपको 1 से 2 लीटर पानी में सिर्फ एक चुटकी देना है, ठीक है। हम अभी आपको डेमो में दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा पानी है, इसमें हम जरा सा ना के बराबर यूज कर रहे हैं। ये देखिए पानी का कलर आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए बस, ठीक है। ये हुआ हल्का पिंक, और हम लोग थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो वो हो जाएगा डीप, ठीक है। अब किसको कब हल्का पिंक यूज करना है, कब डीप पिंक यूज करना है, मतलब कि लाल कलर पूरा कर देना है, डीप कर देना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसको बनाते वक्त आप ध्यान रखें, जैसे मैंने हाथ में बनाया, ये देखिए हाथ मेरा लाल हो गया है, तो आप ग्लव्स पहन लिया करें तो आपका हाथ नहीं खराब होगा, क्योंकि फिर ये रेड रह जाता है, काफी वक्त लगता है जाने में, तो आप हमेशा ग्लव्स यूज करें। इसके अलावा यदि आपकी जो पानी, मान लीजिए बड़ी पानी की टैंकी है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह है, तो उसमें आपकी जैसे मान ले 500 लीटर 1000 लीटर का आपका पानी है, तो उसमें एक चुटकी डाल देंगे तो उससे पानी का बैक्टीरिया भी साफ कर देता है। इसके अलावा आपके जो बर्तन होते हैं, जो बर्तन जिसमें वो खाता है, ये उसके जो एरिया होते हैं, जहां पे मान लीजिए आपने बना के रखा है, उसके खाने का एक एरिया बना के रखा है, उसको भी आपको साफ करने में आप पानी में मिला के इसको साफ करेंगे, तो जो खाने के एरिया में जो बर्तन वगैरह, जैसे कि वो बर्तन आप देख रहे हैं, वो बर्तन वगैरह को हम लोग क्लियर करेंगे, थोड़ा सा पानी में एक चुटकी डाल के साफ करेंगे, तो उसमें भी जो बैक्टीरिया होती है वो क्लीन हो जाती है। जैसे कि हम लोग हर 3-4 दिन बाद या हफ्ते में आप क्या करते हैं, उसका जो खाने का होता है बर्तन वगैरह पूरा एरिया उसको साफ करते हैं, उसमें भी आपको इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हम लोग जब मार्केट से या मंडी से या ऑनलाइन कहीं से जानवर बाहर से लाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पीपी का उपयोग करते हैं। हम लोग लाकर हल्की पिंक जब करेंगे, जब ना के बराबर डालते हैं, तब ये सारा मुंह वगैरह जो है हम लोग साफ करते हैं, चारों पैर को आपका साफ करते हैं, ठीक है। ये जो पैर के आपके नाखून होते हैं, ये नाखून के बीच का ये सब एरिया हम लोग साफ करते हैं। साफ करने के बहुत काम आता है, इसमें क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जानवर हमारा आता है आपकी जो ट्रांसपोर्ट में, तो उसको सारा क्लियर कर देता है। उसके अलावा हमारा हम लोग और कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, यदि आपका जानवर को मुंह पका, खुर पका, जिसको मतलब हम लोग कहते हैं जो पीपीआर या एफएमडी में होता है कि मुंह में छाड़ू हो जाता है या पैर में छाड़ू हो जाता है, तो पैर के बीच में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यदि पैर में हुआ है तो लोग हम उसको हम लोग बनाएंगे, उसको थोड़ा डीप कलर में बनाएंगे, मतलब थोड़ा जार डालेंगे हम लोग पैर के बीच का, उससे साफ करेंगे, सारा बैक्टीरिया वगैरह जो वो क्लियर हो जाएगा, उसके इस्तेमाल में हम लोग को आता है। उसके अलावा अगर मुंह में लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो उसको हल्का पिंक यूज करें, क्योंकि ये थोड़ा पॉइजनस होता है, ना के बराबर यूज करके एकदम हल्का कलर करके मुंह को साफ कर देना है। इसके बाद हम लोग और कहाँ उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम लोग मान लीजिए जो जख्म घाव वगैरह जो बदन में होता है जानवर का, उसको हम लोग ड्रेसिंग करने के काम में करते हैं। जब ड्रेसिंग करने के काम में करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, हल्का पिंक ना के बराबर डाल के पूरा जख्म को साफ करेंगे बैक्टीरिया से, उसका उसको क्लियर कर देंगे। अब मान लीजिए लेकिन हमारे पास अगर बीटाडीन वगैरह नहीं है, अब उसके बाद हमको जख्म में लगाना भी है लाल दवा, तो हम क्या करेंगे, तब उसको गाढ़ा बनाएंगे, मतलब ना के बराबर उसमें पानी डाल के अच्छा डीप कलर में बनाएंगे, डीप कलर बना के वो उसको हम लगाएंगे, हम ऐसा एज अ ऑइंटमेंट यूज होगा। उसके बाद मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जानवर लोग हम लोग लड़ता है, लड़ने की वजह से क्या होता है कि जो उसका सिंग है, वो सिंग आपका जो है टूट जाता है, तो सिंग टूटने में भी हम लोग लगा सकते हैं। पूंछ कभी टूट जाता है, जैसे कि मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा पूंछ वगैरह में मारने की वजह से टूट गया, ये कम होता है लेकिन अक्सर होता है, तो इसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका जानवर जो है थनीला वगैरह जो ना हो, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर बार आप जब जब दूध गाड़ेंगे अपनी बकरी का या गाय का, आप उसको उडर को जो है हल्के पिंक कलर से ना के बराबर डाल के उससे उसको साफ कर देंगे, तो आप देखेंगे आपका जानवर को थनीला होने का चांसेस ना के बराबर हो जाएगी। उसके बाद यदि आपके जानवर जो खटाल वगैरह है, आपका जो कैटल फार्म है, अगर मिट्टी का आपका सर्फेस है, जमीन है, तो उसको आए दिन आप क्या करेंगे, इससे साफ करेंगे, कभी भी पानी में डाल के आप उसको पूरा जमीन को अच्छे से इससे साफ करेंगे। इसके अलावा अगर आपके मतलब खटाल में या फिर आपके जो मतलब जो भी फार्म है उसमें अगर पीपीआर या कुछ भी हुआ है, तो आप जो पूरी फार्म को साफ करेंगे इसका, आप पीपी डाल के मतलब पोटेशियम ही डाल के आप पूरा साफ करेंगे, ये सब चीज में आपका काम आता है। इसके अलावा आपका और क्या क्या काम में आता है, मान लीजिए स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, खुजली हो गया है आपका, तो उसको आप जख्म बढ़ गया है उसको साफ करने के लिए भी काम में आपका आएगा। आपका पीपी का ऑलमोस्ट लाल दवा का, जैसे हमने बहुत सारी जगह में आप लोग बीटाडीन यूज करते हैं, यदि आपके बीटाडीन नहीं है, एक कॉस्ट कटिंग में भी काम आता है, ये 20-25-30 रुपए में मिलता है, जहां जबकि हम लोग अगर बीटाडीन लेने जाएंगे, बीटाडीन का भी वही काम है, बीटाडीन हम लोग बहुत अच्छा काम करता है, तो बीटाडीन की जगह ये भी काम करता है। बीटाडीन का हमारा कॉस्ट पड़ जाता है 100 रुपए की बोतल आती है 100 ml की, और ये जो है आपका लगभग 20-25 रुपए मिल जाता है, लेकिन 20-25 रुपए में आपका 20-25 का पूरा यूज नहीं होता, आप एक चुटकी यूज करते हैं, इतना सारा काम आता है। इसके बाद
आप अगर देखेंगे कभी कभी जो है स्किन में आपका कहीं खुज जाता है जानवर, वहाँ लाल होगी खुल जाता है, वो सब जगह हम लोग जहाँ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह सब में आपका काम आए। आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि पोटेशियम या तो जिसको आपको पोटेशियम परमैंगनेट पीपी या लाल दवा कहते हैं वो कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं उसकी सारी जानकारी आपको देने की। इसके अलावा अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।